वेलकम टू हिबास कॉस्मोस। आज हम ऐसे स्किल्स को डिस्कस करेंगे जिनके हेल्प से आप जज कर सकते हैं पर्सन्स करेक्टर एंड पर्सनैलिटी एक्यूरेटली, एंड दिस विल हेल्प यू टू फाइंड द स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड अवॉइड अ लॉट ऑफ पेन एंड फ्रस्ट्रेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले की वन थिंग इन माइंड कि आपने सारे के सारे स्टेप्स और सारे पॉइंट्स को फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ओनली वन पॉइंट। आपने सारे पॉइंट्स को देखना है उसके बाद जज करना है। फर्स्ट थिंग है कि हाउ अ पर्सन इज़ कीपिंग हिज कमिटमेंट, यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ कितनी पूरी कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है जी मैं 5 मिनट में हाजिर होता हूँ, लेकिन 2-3 घंटे के बाद वो आता है और रेगुलर बेसिस पे उसका यही काम है। या कोई काम वो कहता है यार मैं ये पूरा करूँगा, लेकिन वो पूरा उस टाइम नहीं करता, बहुत अरसे के बाद कहीं जाकर उसको जब याद आता है तो पूरा करता है। दीज आर द थिंग्स जो कि आपने देखना है और ऑब्जर्व करना है कम्युनिटी में कि क्या वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा है, और ऐसा करना उसकी लाइफ का पार्ट है तो डैट पर्सन इज़ नॉट अ ट्रस्ट फॉर दी पर्सन। आप उसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपने ये देखना है कि हाउ दे ट्रीट पीपल बिलो देम, और आसान अल्फाज में ये कह लें कि हाउ दे ट्रीट दोज पीपल हु कैन डू नथिंग फॉर देम, यानी कि वो लोग जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते आप उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। और इसके लिए आप ये देखोगे कि भाई किस बंदे ने जो शेफ्स हैं होटल रेस्टोरेंट्स के जो वेटर्स हैं या आपके घर के बैटमैन मेड्स हैं या जो स्टाफ है जो आपके नीचे आता है उनके साथ आपकी डीलिंग कैसी है डेली लाइफ में। स्ट्रीट्स में जो स्ट्रेंजर्स हैं फूल वगैरह बेच रहे हैं मांगने वाले उनके साथ आप उनका रवैया किस तरह का है। और आसान अल्फाज में ये कह लें कि वो ऐसे लोग जो आपके वर्कर्स हैं आपके अंडर काम करते हैं उनके साथ आपका बर्ताव या उस बंदे का बर्ताव जिसको आप जज कर रहे हैं उसका रवैया उनके साथ डेली लाइफ में रियल लाइफ में कैसा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के आपने ये देखना है कि उनकी गाड़ी कैसे लगती है, गाड़ी कौन सी है ये चेक नहीं करना आपने। आपने ये चेक करना है कि उनकी गाड़ी इतनी साफ है या वो अपनी गाड़ी का कितना ख्याल रखते हैं। और आसान अल्फाज में ये कि आपने ये नहीं देखना कि विच कार ही इज़ ड्राइविंग, आपने ये देखना है कि कार जो है वो अंदर से क्लीन है ऑर्गेनाइज्ड है टाइडी है, रैपर्स वगैरह या इस तरह के कैंस हो गए ये इधर उधर बिखरे हुए तो नहीं है, और गाड़ी कितनी ऑर्गेनाइज्ड वे में और किस तरीके से रखी हुई है। और भी आसान अल्फाज में बोलें तो जो सवारी है अपनी उसका कितना ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम चलें तो दो बातें, पहली बात ये कि आपने ये देखना है कि हाउ दे एक्ट व्हेन दे मेक अ मिस्टेक, यानी कि जब वो खुद कोई मिस्टेक करते हैं तब वो उनका रिएक्शन क्या होता, क्या वो अपोलोजाइज करते हैं और क्या वो डिफेंसिव रहते हैं या साइलेंट रहते हैं या ब्लेम आपको ही करते रहते हैं या एक्यूज ऑफ यू ऑफ मेकिंग ए बिग डील, और वो हर टाइम अपने आप को समझते हैं जी ही कांट मेक मिस्टेक्स, वो अपने आप को परफेक्ट इंसान समझते हैं। अगर उनके अंदर हमेशा डिसएग्रीमेंट्स हैं कन्फ्लिक्ट्स हैं एनी रिलेशनशिप, और अगर उसके अंदर करेक्टर ईगो है देन लेट देम गो। अगली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि हाउ दे एक्ट व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, यानी कि क्या जब आपसे मिस्टेक होती है तो तब क्या बैटल क्रिएट कर लेते हैं, वॉर की सिचुएशन ले आते हैं, आप पे चीखों पुकार करते हैं हर टाइम आपको ही, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू आपको हर टाइम कहते रहते हैं कि भाई यू आर द बैड पर्सन, तुम्हारी वजह से फलां काम हुआ है, इन केस आपसे कोई गलती हो जाए तो क्या आपकी इंसल्ट करते हैं, अगर इंसल्ट भी करते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल इंसल्ट होती है या अकेले में जाकर आपसे बात करते हैं, अगर तो इन फ्रंट ऑफ पीपल करते हैं देन नो नीड ऑफ बिकमिंग अ फ्रेंड विद दैट पर्सन। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन लोगों की दोज़ हु हैव अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको ऐसे बंदे से कोई काम है तो अपनी पर्सनैलिटी आप एकदम से चेंज कर लेते हैं, और अगर नहीं काम तो आप बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड और आइसोलेटेड बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन सम गाइस सी अ वुमेन दे आर अट्रैक्टेड टू दे सडनली एक्ट फ्रेंडली एंड हैप्पी, वंस दोज वुमेन लीव दे आर बैक टू देयर ओल्ड सेल्व्स, दोबारा से मूड वही हो जाता है। एंड सेम इज़ द केस विद द फीमेल्स के फीमेल्स समटाइम्स इसी तरह शो करती हैं, और आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं दे पुट ऑन स्पेशल शो अराउंड सर्टन पीपल ताकि उनकी अट्रैक्शन हासिल कर सकें, और
वो फ्रेंड हु बना सकते हैं ताकि लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, वो लोग जो ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग जिनसे उनको फ़ायदा हो सके। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ देयर रियल लाइफ कंप्राइजेज टू द सोशल लाइफ ऑफ मीडिया, यानी कि वो अपनी रियल लाइफ में कैसे हैं और सोशली जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब उनका वे ऑफ स्पीकिंग, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका तरीका क्या होता है। यानी कि आपने ये ऑब्ज़र्व करना है कि सोशल लाइफ में और रियल लाइफ में वो कैसे हैं। ये अपनी फ्रेंडशिप को बहुत कैलकुलेटेड वे में लेकर चलते हैं, प्लस वो रियलिटी में तो एवरेज होते हैं बट अपनी जॉब या सोशल लाइफ में अपने आप को पॉलिश्ड शो करते हैं। नाउ दीज आर द थिंग्स जिससे आपने डिसाइड करना है कि क्या आप फलां बंदे के साथ फ्रेंडशिप रखेंगे या उस बंदे से दूर रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट भी कीजिएगा और लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा।